देश में भी और झारखंड में भी रामगढ़ में जहां उपचुनाव हुआ था, तो एनडीए की शानदार विजय के लिए मतदाताओं को, वहां की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप 2024 की यह विजय यात्रा प्रारंभ हो गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। अभी आप सब लोगों ने पिछले चुनाव की चर्चा की, मैं उससे भी कभी भागता नहीं हूँ। उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने वोट कम नहीं हुए थे, बल्कि हमने वोट को बढ़ाया भी, और मामूली वोटों से जिसको बोलते हैं जीतते जीतते वो पराजित हुए थे। हमें लगता है कि उस वक्त तक राज्य की जनता को शायद हेमंत सोरेन से पूरी तरह से मोह भंग नहीं हो पाई थी। लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन अब 3 साल से अधिक समय भी हो गया और आपने देखा होगा कि अब इस सरकार से पूरी तरह से झारखंड की जनता का मोह भंग हो चुका है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।